पूरी उम्मीदें हैं, पूरा भरोसा है अपनी मेहनत पर, जनता की जो सपोर्ट मिला, समर्थन मिला उस पर, और भारत के भविष्य पर पूरा उम्मीद। सर, 295 का जो आपका नारा है उसको लेकर आप लोग काफी कॉन्फिडेंट? बिल्कुल आश्वस्त है, आना शुरू कर दिया? बिल्कुल आश्वस्त हैं हम लोग। एंड द अदर हैंड, जो एलिगेशन आप लोगों का चुनाव आयोग या ईवीएम मशीन या सरकार, बात एलिगेशन की नहीं, बात सवालों की है। जब आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं अभी, तो आप मेरे को कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हो, अब मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मुझसे जवाब की उम्मीद रखते हो। हम भी जवाब की उम्मीद रखते हैं, बघेल साहब ने सवाल उठाए रात को, तो हम उम्मीद करते हैं कि जवाब मिले और उनको संतुष्ट कीजिए आप। लेकिन जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब एक और सवाल बघेल साहब ने पूछा, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आप लोगों को कोई दबाव न रहे? चुनाव आयोग पर कल खड़गे साहब ने एक पत्र लिखा तमाम सरकारी अधिकारियों को, चुनाव आयोग को भी उसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए, उनको भी उस पत्र को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और बिना किसी दबाव भय के अपना काम करना चाहिए। वर्कर्स को क्या सर मैसेज है पैन इंडिया लेवल पर? निश्चिंत रहिए, लेकिन अड़े रहिए, अडिग रहिए, हिलिएगा मत अपने अपने काउंटिंग सेंटर से। सर, 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 आपके नेता राहुल जी 295 का दावा पहले ही ठोक चुके हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं। पूरा देश का जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, 295 100% आएंगे। ये जो जीत का दावा आप लोगों का है, अगर परिणाम ये आता है अच्छी बात है, अगर परिणाम उलट होता है तो ईवीएम पे सवाल आप लोगों का होगा या नहीं होगा? देखिए, किस तरीके से पूरा देश में जो विश्वास है, जनता ने वोट दिया सरकार के खिलाफ, और जो इसीलिए ऐसे सवाल उठता है, जो चंडीगढ़ के चुनाव में इन लोग ने किस तरीके का लापरवाही किया देश का जनता देखा है, तो हम लोगों को विश्वास है इस बार इंडिया गठबंधन 295 जो राहुल गांधी जी का जो बात है वो सच होगा। आप दक्षिण के राज्य कर्नाटक से आते हैं जहां आपकी सरकार है, कर्नाटक को लेकर क्या आपका प्रोडिक्शन है? देखिए, क्या इन लोग ने जो सर्वे का आंकड़ा कर्नाटक में ही 90 दिया था कांग्रेस को, 136 हुआ, तेलंगाना में कितना दिया था, तो ये सर्वे क्या बोलते आप ही जानते हैं। है, एग्जिट पोल को लेकर काफी सरकार उत्साहित है? देखिए, सरकार उत्साहित है, कांग्रेस वहाँ भी, हम लोग भी उत्साहित है, सबसे ज्यादा सीट हम लोग जीत रहे, हम भी उत्साहित है। कई इंडिया अलायंस के लीडरों ने सवाल उठाना शुरू किया है ईवीएम पर। वही मैं बता दिया चंडीगढ़ में इन लोग ने क्या किया पूरा, हाँ वो भी मैं सबके सामने, लोकतंत्र का बचाने का बात राहुल गांधी जी बार बार, संविधान का बचाने का बात क्यों कह रहे हैं? इस देश में पिछले 10 साल में इन लोग ने क्या क्या किया, इंस्टीट्यूशन को हाथ में रख के क्या नहीं किया वो बताइए, तो इसीलिए इस बार लोकतंत्र बचाना, संविधान को बचाने के लिए देश का जनता ने और खास तौर पे बेरोजगार युवा ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया।